हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आपके साथ चर्चा करेंगे कि भाई कल बाजार गिरा था तकरीबन बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट और 4000 प्लस पॉइंट गिरा, और आज जिस तरीके से कल गिरावट देखने के लिए मिली सेंसेक्स में तकरीबन 4500 पॉइंट के आसपास की थी, निफ्टी के अंदर तकरीबन 1400 पॉइंट के आसपास की थी, और आज ये जो तेजी हुई है इसका कारण क्या है। अब देखिएगा, सबसे खास बात इसके कारण दो हैं। पहला कारण है कि कल बाजार को ये लग रहा था कि कहीं इलेक्शन रिजल्ट की डेटा बदल ना जाए और बीजेपी कहीं और सीटें कम ना हो जाएं, तो एक तो ये रीज़न था, और दूसरा ये था कि चलो सीटें आएंगी भी तो क्या मोदी जी सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, यानी कि कहीं पे नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, यानी कि जो टीडीपी पार्टी से जो सहायक दल है एनडीए के, वो कहीं मतलब अपनी बाजी ना पलट दें, यानी कि कहीं वो इंडिया गठबंधन के साथ ना चले जाएं या समर्थन ना दें। तो ऐसी जो परिस्थिति थी वो नहीं थी, और आज जैसे ही ये सूचना आई कि भाई हाँ सरकार को समर्थन मिल रहा है और जो कुल जो आंकड़ा है वो सब एनडीए की जितने भी घटक दल हैं वो 290 प्लस हैं, तो वो सब जो है सहमत हो गए हैं, और उसके बाद बाजार ने एक अच्छा जंप लिया। दूसरा रीज़न ये है कि भाई ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे कि 3 दिन के अंदर बाजार जहाँ से चला था वहीं वापस लौट आया, लेकिन इसमें सारी करामत क्या हुई कि कॉल ऑप्शंस के बायर, पुट ऑप्शंस के बायर सब जो हैं इस एक्सपायरी में, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जिसने भी ऑप्शन खरीदी है और टाइमली एक्शन ले लिया तो बात अलग है, नहीं इस 3 दिनों के अंदर भाई ऑप्शन सेलर्स ने बड़े जबरदस्त पैसे बनाए हैं। अगर ऑप्शन सेलर ने अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखी और उसको अगर एफएनओ की समझ है और अपनी पोजीशंस को मैनेज करता रहा, तो अब निफ्टी 50 आज देखिएगा 22620। तो मैंने दो रीज़न बताए आपको और मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। देखिएगा ये 3 कैंडल्स देखिएगा, पहली कैंडल है ये, गैप अप हुआ और बाजार जाके ऊपर टंग गया 23200 के। कल इलेक्शन के रिजल्ट आए, बाजार नीचे आया 21200 तक और बाजार सेटल हुआ तकरीबन 21800 पे। आज बाजार ने क्या किया, आज बाजार ने एक तेजी की 700 प्लस पॉइंट की, और ये जहां बाजार था शुक्रवार को बाजार वहीं आ गया, यानी कि ऑप्शंस कॉल को भी खा गए, पुट को भी खा गए, और बाजार के अंदर जिन्होंने स्ट्रैडल बेच रखा था उन्होंने बढ़िया पैसे बनाए, जो ऑप्शंस के सेलर थे और दोनों साइड बेच के चल रहे थे उन्होंने भी अच्छे पैसे बनाए। और किसने बर्बाद किए भाई, मोस्टली ऑप्शंस बायर इस एक्सपायरी के अंदर अगर दिन के दिन में निकल गए तो बात अलग है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर थे भाई बहुत पैसा जो है, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई इस बार ऑप्शन सेलर ने दब के पैसा लूटा है ऑप्शन बायर का, और ऑप्शन बायर्स के बहुत बड़े बड़े लॉस जो है इस बार देखने के लिए मिले, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे, बाजार उनके फेवर में भी चल रहा था, तो जो उनके प्रीमियम डिके हुए हैं वो आज बड़ी तेज़ी से, थोड़ा बहुत जो है बचे हुए हैं वो कल होंगे जो निफ्टी के हैं, और यही कारण था कि बाजार में इतनी वोलेटिलिटी रही, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा थे, यानी कि खरीदना भी महंगा पड़ा, तो बेचने वाले की तो देखिएगा भाई 5 उंगलियां घी में थी। और इस पिछले 3 दिनों में मोस्टली जो ऑप्शन सेलर हैं और जिनको डिसिप्लिन तरीके से काम करना आता है बहुत बेहतरीन पैसा जो है बनाया होगा। तो ऑप्शन सेलर का दिन था और निफ्टी 50 जो है 735 पॉइंट चला। क्या बाजार अभी ऐसे ही चलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा आज तो बाजार इसलिए भी खींचना ज़रूरी था कि ऑप्शंस के प्रीमियम की बाया थी, दूसरा मैंने कहा एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, और आज वो चले जिनसे बैंक निफ्टी चल सकता था, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, HDFC बैंक और ICICI बैंक, निफ्टी के अंदर 125 पॉइंट से ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन इनका था, उसका अदानी पोर्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस, और कमजोरी कहीं थी ही नहीं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत बेहतरीन थी, लेकिन कल जितनी ख़राब थी उतनी अच्छी नहीं है आज, और जो कल शेयर्स टूटे थे वो सारे रिकवर नहीं भी हुए, और आज भी FIs 5600 करोड़ का माल बेच के गए हैं,
4,500 करोड़ का जो है डीआईज ने खरीदा है। कल दोनों के दोनों नेट सेलर थे, इस वजह से बाजार कल ज्यादा भी टूटा था। अब बात यह है कि एफआईज ने आज क्या विशेष किया। देखिएगा एफआईज के जो डेटा है ना वो काफी मजबूत हो गए आज। अब वो एक्सपायरी ट्रेड की वजह से ये नई ऑप्शन खरीदी है, ये देखना पड़ेगा। इंडेक्स के जो फीचर से 2,510 करोड़ के प्लस किए, लेकिन सबसे खास बात है कि तकरीबन 44,000 करोड़ के आसपास की इंडेक्स ऑप्शंस की बाइंग है अब, क्योंकि ये वो भी ऑप्शंस हो सकती हैं कि जो उन्होंने बेची थी तो उसकी एक्सपायरी में जो सेटल किया, क्योंकि दोनों साइड बेच के चले गए होंगे, तो जो माल बेचा उन्होंने वो तो 2,00,000 करोड़ के आसपास है अगर पिछले 1.5-2 महीने में बेचे भी तो अगर उसकी कुछ रिकवरी भी की है तो बहुत अच्छा पैसा जो है एफआईआईज ने यहाँ पर कमाया है, बहुत बेहतरीन पैसा। तो आज वो भी हो सकता है, कुछ ऐसी भी पोजीशंस होंगी कल किसी भी साइड पर, एक बड़ी डायरेक्शन के लिए एफआईआईज ने अपनी पोजीशंस भी ली हो सकती हैं, क्योंकि 2 दिन में जितनी बिकवाली की है तो उनको हो सकता है कि अपना माल खरीदना हो, उस वजह से ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस खरीदी हो। और ये भी हो सकता है उनको लगता है कि भाई मोदी जी की गवर्नमेंट अब उतनी स्ट्रांग नहीं है और उनको बाजार कल फिर से बेचना है, तो हो सकता है कि एक बड़ी मंदी के लिए, एक डायरेक्शन के लिए खरीदी हो। तो मुझे लग रहा है कि जब भी एफआईज जब बड़ी ऑप्शंस खरीदते हैं तो बाजार डायरेक्शनल होता है, दोनों चांसेस होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में जो एक ओवरसोल्ड सिचुएशन थी कल वो आज मैं ये कह सकता हूँ नलीफाई हो गई। लेकिन अभी तेजी के लिए कोई नया ट्रिगर नहीं है, गवर्नमेंट बनेगी, शपथ लेगी और बहुमत साबित होगा, अब ये पूरी जो प्रक्रिया है ये बाजार जो है ना एक बार साइड में बैठ के देखना चाहेगी और फिर जो है शायद एक पॉजिटिवली रिएक्ट करें। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में तेजी की है तो इसका फॉलो अप ये भी हो सकता है कि कल जो है निफ्टी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो जो चांसेस हैं वो ऑप्शंस के बड़े डेटा हैं, बट बाजार बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, दोनों साइड के मूव्स आ रहे हैं, सही डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ये पक्का है कि बाजार जिस साइड में कल डायरेक्शन पकड़े उस साइड में आप प्ले कर सकते हैं। और रीज़न ये कि ऑप्शंस की जबरदस्त बाइंग है, तो जिस साइड की बाइंग है उस साइड जो है बड़े प्लेयर्स बाजार को खींचना चाहेंगे। और ये अगर निफ्टी बैंक में भी देखें तो देखिए कि यहाँ था निफ्टी बैंक 49,000 के आसपास और आज क्लोजिंग भी जो है 49,054 पे हुई है, हालांकि लास्ट प्राइस थे, लेकिन वो एडजस्ट होने के बाद की बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये देखिएगा जहाँ से बाजार चले सोमवार बाजार 2,000+ पॉइंट, मंगलवार 4,000 पॉइंट माइनस, वेडनेसडे फिर 2,000+ पॉइंट जहाँ से बाजार चला था, यानी कि ऑप्शन सेलर ने कहीं पर भी ऑप्शन बेच दी और दोनों साइड की ऑप्शन बेची हैं, उसकी 5 उंगलियाँ घी में थी, क्योंकि बाजार जहाँ से चला वहीं आकर रुक गया। तो किसी ने अगर 49,000 की कॉल और पुट दोनों बेचे हैं उसने भी पैसे कमाए, किसी ने बाजार ऊपर जाने पर एक्सेसिवली कॉल बेची वो कॉल में भी प्रॉफिट आ गया, नीचे आ गया, बाजार नीचे गया एक्सेसिवली पुट बेची बाजार ऊपर भी आ गया, तो ऑप्शन सेलर ने दोनों तरफा जो है प्रॉफिट कमाए। और आज देखिएगा 2,000+ पॉइंट की निफ्टी में तेजी, बट मुझे लग रहा है कि आज ये एक्सपायरी मूव था और बाजार अभी भी सेल ऑन राइज वाला हो सकता है, उसके अच्छे चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि एफआईज की बहुत बड़ी बाइंग है ऑप्शंस की तो एक डायरेक्शनल मूव भी जो है प्ले होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और जो ओवरसोल्ड थे वो रिकवर हो गए। मुझे अभी भी हालांकि ऐसा है कि बाजार के अंदर एफआईज ने अगर पुट ऑप्शंस में जबरदस्त बाइंग की होगी, क्योंकि बाजार ऊपर आया तो ऐसे चांसेस है कि पुट ऑप्शन बहुत सस्ती होगी होंगी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कल निफ्टी में एक जो है सेलिंग हो सकती है दोबारा से, और उतनी सीवियर तो नहीं होगी जितनी अभी कल थी, बट ऐसा लग रहा है कि बाजार अभी सेल ऑन राइज रहने वाला है। पुट कॉल रेशो निफ्टी की बहुत नीचे की तरफ है, अगर पुट कॉल रेशो को देखें तो निफ्टी है एक रैली करना चाहिए, और अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी न्यूट्रल है, तो कल हो सकता है बैंक निफ्टी ज़्यादा परफॉर्म ना करे, निफ्टी जिस डायरेक्शन में प्ले करेगा उस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी कम सपोर्ट दे। तो ऑप्शन चेन के डेटा तो सॉरी जो पुट कॉल रेशो है वो तो सजेस्ट कर रही है कि निफ्टी में भी और तेजी बाकी है, और जो ऑप्शंस खरीद के गए एफआईज उसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि एक मूव होना है उस साइड में, तो क्यों ना वो पॉजिटिव हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की जो खबरें हैं वो किस तरीके की आ रही हैं
उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और देखिएगा ये उतनी मजबूत गवर्नमेंट नहीं रहेगी जितना मतलब बीजेपी के पास अगर 272 का डेटा होता या वो आंकड़े होते तो। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कुछ मंत्री पद TDP को दे दिए जाएंगे, TDP को जो है कुछ सपोर्ट कर दी जाएगी क्योंकि भाई केंद्र के अंदर सरकार रहेगी और राज्य के अंदर TDP की सरकार रहेगी तो एक सपोर्ट हो सकती है। दूसरी बात है मुझे लग रहा है कि अब बिहार में जब इलेक्शन आएंगे उससे पहले ऐसा हो सकता है कि बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित कर दिया जाए तो वो बीजेपी के लिए एक राह आसान कर देगा। यानी कि एक पैकेज जो है 50-60 हज़ार करोड़ का एक पैकेज बिहार के लिए आ सकता है आने वाले समय में। तो ये शायद जब चीज़ें आएंगी तो ये इलेक्शन के लिए आएंगी, तो क्योंकि बिहार की डेवलपमेंट के लिए जो है एक पैकेज की डिमांड नीतीश कुमार जी करते रहे हैं तो उनको भी अगली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। या उन अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनते, किसी और को बनाना चाहते हैं और बीजेपी भी जो है एक एग्रेसिव पार्टनर है आज की डेट में बिहार में, तो हो सकता है कि दोनों मिलकर एक अच्छा पैकेज जो है बिहार को दे दें और जिससे नीतीश कुमार जी का भी जो समर्थन है वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर जो है बरकरार रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हुई अगर हमें लग रहा है कि होगी तो ये सब चीज़ें होती हैं तो बाज़ार एक बार सेटल हो गया है तो फिर बाज़ार में और स्ट्रेंथ भी आ सकती है। यानी कि जो स्टेबिलिटी बाज़ार के अंदर अगर गवर्नमेंट की नज़र आएगी तो बाज़ार के अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी। तो ये जो न्यूज़ फ्लोज हैं उनका इस तरीके से असर होने की संभावना रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी का समर्थन जो है वो रहेगा। और उसका रीज़न ये है कि मोदी जी की जो डिप्लोमेसी अगर वो वर्ल्ड में अगर हम देखें अपने जो मतलब पीयर्स हैं यानी कि जो काउंटर पार्टीज हैं उनके साथ अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा जो है उनका मतलब रिलेशन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो अपनी रीजनल पार्टीज़ हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं या NDA के जो गठबंधन के साथी हैं उनको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता हुआ नज़र आएगा तो वो जनरली बाजार के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, कंट्री के लिए भी जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।